आपको प्रॉब्लम एक ही सबसे बढ़िया ही लकड़ की है, यहाँ पे देख सकते हो दूर दूर तक सर कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे प्रॉब्लम सुनसान गलियां, टेंट नहीं उठा रहा है, सुनसान मोहल्ले, कितना दूर है हमारे से, धुंध में कुछ नहीं दिख रहा था। ये बंदा मौसम साफ था, स्किन दो मिनटों में क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो हमारे साथ हैं हमारे सार भाई। सार भाई, हम यहाँ से निकल रहे हैं तो काफ़ी सुबह सस्ती सी है, रात को हम सो गए, आराम किया हमने। ठंड से लगी आपको रात को? रात को सर्दी का मसला जो है, इतनी सर्दी तो नहीं थी क्योंकि हम बहुत सारे एक टेंट में थे। हाँ, एक टेंट में, जिसकी वजह से सर्दी उतनी नहीं लगी। लेकिन अब जो जो सुस्ती का मसला है, क्योंकि यस्टरडे वी वर एग्जॉस्टेड, सो नाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव ऑन। कल हमने बहुत, आई थिंक इन माई इंटायर लाइफ इतना मैं कभी नहीं चला जितना मैं कल चला। बिल्कुल भाई, आप देख सकते हैं हम यहाँ से ये पथरा में रुके हुए थे रात को। हम अभी पथरा ही मुँह शुद्ध, अब आज हम ऊपर जाएंगे ज़ियारत पे। मुँह शुद्ध वज़ू बना लिया आपने? अभी बनाऊंगा। तो यार वो भी बना रहे हैं वज़ू, वो बर्तन शर्तन धो रहे हैं। अरे सर भाई, तो और एक चीज़ आप यहाँ देखेंगे जो बहुत कम ही देखने को मिलती है, कि यहाँ से जो है जो एक दरिया का सिस्टम है, एक आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से शुरू होता है। ये देखो यहाँ से ड्रेन, यहाँ से पानी निकला, देखिए वहीं से निकल रहा है पानी, ये पानी निकलना शुरू हो रहा है यहाँ से, यहीं से पे पीछे से तो आ नहीं रहा है, यहीं से निकल रहा है, ये निकल रहा है वो पीछे से। एक्चुअल में अगर मैं बताऊँ तो बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम अगर मैं इस तरह बाहर आया हूँ नाइट पे। ऐसे तो दिन पे टूर पे जाया करता था अगर, लेकिन फर्स्ट टाइम नाइट आउटिंग हुई है, और ये एक बहुत ही एक स्ट्रेंज सा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, क्योंकि जब हमने रात को थोड़ी बहुत ठंड का सामना किया, और उसके बाद हमने देखा कि आग नहीं जल रही थी, दैट इज़ आल्सो एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, बिकॉज हमें ये पता चला कि अगर हम इस तरह के इवेंट्स करते हैं तो हाउ वी विल मैनेज करना पड़ता है इधर ऐसी जगहों पे। एक बहुत ही एक्सपीरियंस ये जो है टूर रहा है मेरे लिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैंने जो यहाँ देखी हैं, पार्टिकुलरली मैं नेचर की बात करूँगा, वो चीज़ें जो देखी हैं मैंने आज से पहले नहीं देखी थी। जैसे कि ये है पानी, यहाँ से दरिया जो शुरू होता है आज से सब बनना, ट्रेन पहले पानी का कतरा मिलकर कतरा, कतरा देखो ना यहाँ से निकल रहा है, आगे देखना कितना पानी। और ये चीज़ें जो है वो बहुत ही कम विजिबल हो। और मैं एक चीज़ इस पानी के खास आपको बता दूं, मैं 10 सेकंड से ज़्यादा इस पानी में हाथ नहीं रख सकता, और इससे आप बिल्कुल खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ठंडा। और मेरे हिसाब से ये इससे ज़्यादा ठंडा पानी मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने बहुत सी जगहों में गया, बहुत सी जगहों पे गया, मेरे यहाँ भी ठंडा पानी है, लेकिन इतना ठंडा पानी मैंने कहीं नहीं देखा। अब यहाँ के एक चीज़ है कि कुछ भी नहीं कह सकते, किस वक्त बारिश शुरू हो जाए, किस वक्त धुंध आ जाए, किस वक्त धूप आ जाए, मतलब और ये कोई भी जो है फॉरकास्ट इसके बारे में करना मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मुश्किल ज़रूर है। एक बंदा ऑल ओवर, मसला ये है कि हमारा एक बंदा ऐसा चला गया वापस, को प्रॉब्लम आ गई थी, उसको हमने वापस ही दे दिया। अच्छा किया, क्योंकि उसको ये उसने खुद बोला कि मैं आगे नहीं चल सकता, मेरे को दिक्कत होगी, तो वो यहाँ से चलो कोई बात नहीं, हम मिलते हैं आपको वीडियो के साथ। हमारे साथ हैं इसरार भाई भी और बाकी फ्रेंड्स, काफ़ी फ्रेंड्स जो कि काम कर रहे हैं, ये बाकी सबको दो दिया आ चुके हैं। विकी भाई क्या लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, रात का एक्सपीरियंस बताइए कैसा लगी सर? रात लगी आपने? नहीं सर, रात को ठंड तो नहीं लगी। प्रॉब्लम बताइए आपको, प्रॉब्लम क्या आई रात को? सर हमें रात को प्रॉब्लम एक ही सबसे बढ़िया ही लकड़ की है, यहाँ पे देख सकते हो दूर दूर तक सर कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे प्रॉब्लम सुनसान गलियां, टेंट नहीं उठा रहा है, सुनसान मोहल्ले, शायद भाई तपे हुए हैं, सीधा जा रहे हैं रहने वाले बाशिंदों को हम क्या कह सकते हैं। मुस्तफा भाई आज यहाँ पे, आप यहाँ के रहने वाले, अल्लाह का शुक्र है आज हमारे आसमान भी काम है, और हमें आज एक्सपीरियंस हो गया कि हम अब पहुँच के पहले लकड़ी गए। नहीं सर, आप बताइए यहाँ के रहने वाले के। अभी हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ, जहाँ पे हमने जाना है
वहाँ मतलब 4-5 घंटे का, अभी 5 घंटे का सफर है हमें नेजर टॉप पे जाना। हम ज़ियार पे पहुंचे हैं, क्या जगह है यार, थोड़ा हम रेस्ट कर रहे हैं, थक गए हैं काफी सारे फ्रेंड्स। ये देखिए हम निकलते हैं यहाँ से, पीछे की जाने इधर वाली, ये देखो बर्फ आप देख सकते हैं, यहाँ बर्फ भी है बहुत सारी। तो पहुँच चुके हैं आपको बाद में से दरिया क्रॉस कर नहीं पाई, तो अब हम जा रहे हैं ऊपर वाली साइड। गाइस क्या ही बोलो, बहुत ठंडा है पानी के हमारे भाई, उस साइड हम इस साइड अभी जाते हैं। फाइनली हमने रिवर को क्रॉस किया और बहुत सारे फ्रेंड मेरे पीछे हैं, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे, पता नहीं कहाँ चले गए, इस बहुत धुंध है यहाँ पे, कोई पता नहीं चल रहा हम कहाँ पहुँचे हैं इस वक्त। मुझे लग रहा है अभी हमें 2 घंटे और लगेंगे चीना मर्ग पहुँचने के लिए। तो मेरे साथ निशु भी मौजूद है, निशु भी देख सकते हैं, निशु को पूरा भीग गया ये बर्फ, साथ में बर्फ, बर्फ देखिए आप, ये बर्फ है, बर्फ ये देखिए, बर्फ आप ये देखिए, पूरी बर्फ है। अब मेरे साथ इसरार भी मौजूद हैं, इसरार आपने कैसा फील किया क्रॉसिंग के वक्त? टेरिबल फॉर मी बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू क्रॉस द रिवर एज वी वर फेसिंग दिस प्रॉब्लम अर्लियर, एंड येट और सम ऑफ माय कोलीग्स आर अनएबल टू क्रॉस द रिवर, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दे विल रीच इन अ मिनट एंड दे विल क्रॉस द रिवर एंड वी विल गो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो स्टार्ट आवर जर्नी अगेन। हां हमारे फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं यहां पे, ये देख सकते हैं आप, जूम करके दिखा रहा हूं, ये पहुंच चुके हैं, नजर तो नहीं आ रही इस धुंध के अंदर, बट जब ये क्रॉस करेंगे हम आपको एक बार दोबारा उनसे मिलाएंगे, तब तक के लिए फाइनली गाइस हमें बर्फ देखने को मिली, इस जून जुलाई के मौसम में बर्फ़ देखने को मिली, बाहर भी ठंडे हो रहे हैं। तो हमारे फ्रेंड्स जो के अभी पूछे इधर, सबसे पहले साकी भाई क्रॉसिंग करेंगे भाई। तो फाइनली ये देखिए, तो काफ़ी ये पानी बहुत तेज़ आ रहा है, पीछे काफ़ी धक्का स्टार्ट है, तो आप देखिए अभी आजाद भाई भी है हमें फाइनली कर रहे हैं। शोकर भाई कितना ठंडा है पानी? एजाज भाई क्रॉस काफी, यहाँ पे आगे जाके देखिए कैसे पानी धक्का देगा इनको, ये देखिए हमारा एक फ्रेंड बिल्कुल तुक्के पे चल रहा है यार, क्या बोलूँ उसको। साकिब भाई बस वे आप जाओ, आप भूल जाओ मुझसे, चलो चलो हमें इस वक्त बहुत दुख हो रहा है, हमारा एक फ्रेंड जो था धुंध की वजह से बहुत आगे निकल चुका है वो। गाइस हमारा जो फ्रेंड 1 घंटे का सफ़र हमने तय किया, ये इधर आया हुआ है अकेला, आप देख सकते कितना दूर है हमारे से, धुंध में कुछ नहीं दिख रहा था, ये बंदा देख सकते कितना दूर है, ये देख सकते कितना दूर है ये देखिए यहाँ से उतर रहा है अभी, ये अब पीछे अगर मैं ले जाऊँ कैमरा तो हद से ज़्यादा दूर है, ये देख सकते बहुत बहुत बहुत, देख कितना छोटा दिख रहा है ये, आपको तो दिख ही नहीं रहा होगा। मैंने ठान ली कि मैं ऊपर देख के आता हूँ। गाइस मैं चाहता हूँ
कि मैं ऊपर जाके व्यू देखूं थोड़ा सा, इसी के बहाने पूछते ऊपर। गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हम टॉप पे पहुंच चुके हैं। हम मुस्तफ़ा के पास, वो इधर उतर गया, आप उधर पहुंच चुके हैं। व्यू देखिए और पसीना देखिए, उसको रोकूंगा पहले। और ये हमारे मुस्तफ़ा हैं, मिल गए। ये देख सकते हैं आप यहाँ का व्यू। अभी हम वापस, फ्रेंड हमारा मिल गया, बाकी फ्रेंड हमारे बहुत 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 नीचे हैं। अब हम उनकी तरफ जा रहे हैं, उनको टेंशन ना पड़ जाए कि ये कहीं खो ना जाए। तो अब हम जा रहा हूँ, मैं भी वापस जा रहा हूँ उनकी तरफ। देख सकते हैं ये व्यू, आप देख लीजिए, आप उसके दर्शन करवाऊँगा मैं आपको। ये है वो, ये इधर देखना भाई, अबे कुछ नहीं होता इधर देख मुस्तफ़ा। ये हमारे भाई मुस्तफ़ा। भाई डर रहे थे आप अकेले? नहीं यार, मैं नहीं डर रहा था। मैं फिर क्या हुआ आपके साथ, हुआ क्या ये आप मेरे को पूरा बयान कीजिए। क्या मसला था ये? मैं थोड़ा ऊपर आया, पीछे से फॉग आ गई, मुझे आप लोग दिखे नहीं, तो मैं वहीं पे वेट कर रहा था। मतलब इतना सफर थोड़ी होता है यार लीड करने की, हद होती है। हम आवाजें दे दे के मेरा गला लग गया, तू चढ़ रहा है चढ़ रहा है, टॉप पे पहुंच गया यार। तो वहां पे बताया था ना कि मतलब बात सुने ना, बात सुनो, आप ऊपर पहुंच गए, आपको कोई डर फील हुआ नहीं? डर शर कुछ नहीं मुझे फील हुआ, मैं सोचा अगर आए तो नहीं तो वापस चला जाऊँ। कहाँ से वापस जाता अकेला? हाँ यही इसी रास्ते से जहाँ से आया। अकेला आगे होता ना, अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे कोई रिच निकलता है या कोई निकलता निकलता। वो आपसे आपके आने से पहले भी निकल सकता था। दो मिनट रुको यार एजाज, दो मिनट दो रेस्ट हमें भी। गाइस बाहर हो रही है बारिश, बाहर हो रही है बारिश, आप देख सकते हैं। हम हमने खेमा लगा दिया है और देखिए बस में हम बैठे हैं। अब हमें यहाँ श्रीनगर की बस मिली, गुलमर्ग में हमें एक बस मिली और हम उसमें खड़े हैं। ये शुक्र गाइस बारिश हो रही है बाहर। अभी की भाई क्या कहना चाहते हैं? सर कुछ नहीं कह सकता। ये गाड़ी है रा, ये गाड़ी कैसे पहुंचेगी? ये गाड़ी किस टाइम पहुंचेगी? ये गाड़ी निशु चलाता है रा, निशु। गाइस ये गाड़ी पहुंचेगी, एक घंटा लगेगा, हमें छोड़ देगा गुलमर्ग टॉप पे छोड़ देगा। तंदूर गर्म है यहाँ पे, तंदूर आई मेरे पास। तंदूर गर्म है। फाइनली गाइस देख सकते हैं आप, हम यहां से हम आए ऊपर और हमें ये व्यू दिख रहा है अभी आगे आके। तो साइड लाइव नहीं, ये वीडियो बन रही है, लाइव भी चल रहा है। फाइनली हम यहां पहुंच चुके हैं और इधर से हमें यहां हमें फाइनल पता चला कि हमें जाना कहां है। हमें ये जो नाला आपको दिख रहा है, इधर से जाना है सीधा चिनामर्ग के पास हम पहुँचे। देख सकते हैं व्यू आप। तो हम पहुँच के सारे फ्रेंड्स यहाँ रुके हुए हैं, सामान हमारा यहीं पे है और बारिश हुई, हम गीले हुए पर पता नहीं चल रहा है क्योंकि हम फिर से मौसम साफ़ हो गया। क्लियर तो नहीं हुआ पर यहाँ का मौसम का पता ही नहीं चल रहा। हम चल रहे थे अचानक बारिश स्टार्ट होगी तो हम गीले हो गए। पूरी तरह जो सफेद चादर से जो है ये एरिया पूरा ढका हुआ है, बिल्कुल ढका हुआ है। और इस तरह की सीनरी जो है बहुत कम ही देखने को मिलती है। मत इस बात का हमें एहसास हो रहा है कि हम बेफजूल नहीं चले, बहुत अच्छा चले, मतलब हम चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं। हमने वो सामने से लकड़ियाँ लाई उधर से, तो बना दिया वहाँ से हमने लकड़ियाँ लाई। तो मुस्तफ़ा भाई भी साथ में हमारे थे। तो मुस्तफ़ा भाई कहाँ से लकड़ियाँ लाई, दिखाइए ज़रा। हमने वो बहुत दूर से लाई यार, बहुत दूर से। अभी कुछ बंदे हमारे पीछे हैं, वो उनको लकड़ियाँ मिली तो हमें ये लकड़ियाँ आप देख सकते हैं। बड़ा मुश्किल है यहाँ पे लकड़ियाँ ढूंढना, हमने बड़ी लकड़ियाँ कर दी, रात को बड़ा मज़ा आने वाला है। ये हमारा लंच बन रहा है, बिल्कुल तो तड़का इतना तगड़ा बनाया हुआ आप देख सकते हैं। बनाया किसने? विकी भाई ने और साथ में इनके हमारे साकिब भाई। देख सकते हैं तड़का कितना, ये मैगी हमारी रेडी है, तड़का भी रेडी है, सारा कुछ रेडी है, जल्दी बनाई, भूख बहुत लगी है। अब हम यहाँ पर बैठे, देखे कपड़े सब डाले हुए हैं,
गीले कपड़े सब डाले हुए नीचे, ये सूख जाएंगे। तो इसके ये बाद हम वेट कर रहे हैं उनका जो लकड़ियाँ लाने गए हैं। हम बैठते हैं, करते हैं आराम, दीजिए इजाज़त। काम करिए निशु भाई, यहाँ पे हम थोड़ी देर सो जाएंगे। गाइस पहले इस वाले रास्ते से ऊपर से आ रहा था, लेकिन ये बोल रहे थे कि ये रास्ता जो है ये पता नहीं और कहीं ये श्रीनगर जा, मतलब इनका लेकिन बाद में यहाँ पे जो है यहाँ पे ये मतलब लोकल बंदा है यहाँ का मिला जो यहाँ पे जो रास्ता ठीक था, ठीक था, वो बोल रहा है कि ये सही रास्ते पे थे भाई, हमारे ये मुस्तफ़ा भाई सही रास्ते पे थे, यही भटक गए थे नीचे वाली साइड। फिर साकिब भाई से हम कुछ पूछेंगे। साकिब भाई कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम ख़राब था, अब बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। रात का और रात का इंशाल्लाह यहीं स्टे करनी है, अगर मूड बना तो हम ऊपर जाएंगे, गली में रुकेंगे। तो मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, तो कल का जो हमारा प्रोग्राम है वो तोशा मैदान जाने का है। पहले इंशाल्लाह पहले किधर? पहले हम चलेंगे ये कहते हैं इसको चीनामर्ग, और चीनामर्ग के बाद इंशाल्लाह निकल जाएंगे तोशा मैदान। सुबह में जल्दी निकलना पड़ेगा, बर्फ होता है वहाँ पे। बाकी छोटे इस टाइम बंद क्या रहा हमारे लिए? इस टाइम जो है लेट हो चुका है, हम मैगी पे गुजारा करेंगे। गाइस मैगी अभी हमने इतनी भूख लगी थी, हम पहले नहीं वीडियो बना सके, अभी बना, इतनी तगड़ी वीडियो के ये मैगी बनी है ना, क्या ही बताएं गाइस। इधर यहाँ पे इस जगह बनाई सब तेजी, अगर दे बंदा किसको दे? साकिब और विकी को जा रहा है सुनने, ठीक है आप देख सकते हैं। थोड़ी सी बची लास्ट टेस्ट के लिए यार, ये टेस्ट के लिए लाया मैं, कुछ समझ ना आ रहा। हमारे रियाज भाई कैसी लगी मैगी आपको? ये सुबह बताऊंगा। ये देख सकते हैं मैं प्लेट फाइनली ख़त्म कर दी, थोड़ी सी बची हुई है, तो हमारा पेट